और ये कर रहे हैं होमवर्क शानू और मिठू, और वंदना करा रही है इनसे। हाँ जी बोलो। किसने? जल्दी करो, जल्दी 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 लिख लिख चाची। शाबाश। अच्छा मिठू चुप चुप, तो फिर लिखो। ये है जो तुम गुराम भी देखी दही। लिखो लिखो लिखो, जो अच्छे से काम नहीं करेगा अपना। हाँ। इधर दिखाओ दी, इधर दिखाओ मिठू, इधर दिखाओ बेटे क्या लिखा है अपने। कर दो। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी हम खाना खा रहे हैं और ये भिंडी की सब्जी बनाई हुई है, और ये मिठू ये आपने बोला कि यार ये चश्मे में बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसने बस वो चश्मा नहीं उतार रहा अभी, ये चश्मा लगा के खाना खा रहा है। और ये बैठी है वंदना वहाँ पे, ये देख सकते हो आप, और डैडी जी को अभी नीचे देख के आया हूँ मैं। और ये शान बैठी हो, देखो ये छिप रही है आपसे। अच्छा बेटे ऐसे करते हैं, मैं मिर्ची खा रही हूँ, हरी मिर्च क्यों इसलिए खा रही हूँ कि ये तेज नहीं है इसलिए खा रही हूँ। हाँ यार वो एक्चुअली ना वो नीचे लगी हुई ना हमारे पौधों में, दो हरी मिर्च ना वो है तो बहुत बड़ी, लेकिन उसकी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी तेज नहीं है। और मैं तो मिर्ची वैसे ही बाजार वाली खाता हूँ जिसमें ज्यादा तेज होती है ना, क्योंकि मेरी पहले से आदत है मिर्च तेज मिर्च खाना। चलो चलो बच्चों जल्दी खाना खा लो, और आप भी खाना खा लो, ठीक है? इधर मिट्टू भी हो, देखो वो मिट्टू है मिर्ची का, वो बेटे लगेगी आपको। इसके बाद ये चला है जी मॉर्निंग रूटीन, और आज तीज का त्यौहार है, तो जी ये सबको, आप सबको तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे यहाँ पे तीज का त्यौहार मतलब मनाया नहीं जाता, और इस तरह से मैंने कभी नहीं सुना मम्मी को दादी को कभी कि वही तीज के व्रत किए हैं। तो बस मैं खाली ऐसे ही कि देखिए हम इंडियंस हैं तो पूरे इंडिया में जो जो त्यौहार मनाए जाते हैं हमारा भी फ़र्ज है ना, क्योंकि फैमिली में भाई देखिए सिर्फ हिमाचल की ही फैमिली थोड़ी ना है ना, हर जगह की है तो त्यौहार मनाना तो बनता ही है। हाँ मेरा फास्ट वगैरह कुछ नहीं है तो वो मैं पहले ही बोल दूँ, लेकिन हाँ अच्छा अच्छा खाना मैंने बहुत बनाया है, तो वो सब भी आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी बस ये क्लीनिंग की रूटीन चली हुई थी, बच्चों ने इतनी धमाल मचा के रखी होती है, खासकर ये जो शीशे होते हैं ना इनके ऊपर हाथ मारते रहते हैं जब देखो तब, और फिर इतने बुरे लगते हैं ये, अगर डेली इनको क्लीन नहीं किया जाए ना तो फिर इनका काम ही बस यही रहता है। इसके अलावा अभी कागज़ और वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके सब बेड के नीचे को, खासकर जो साइड में होती है ना बेड के एक थोड़ी बीच जैसी रह जाती है वहाँ पे बस इनके एरोप्लेन हमेशा ही वहीं पे दिखाई देते हैं, मुझे जब भी झाड़ू लगाती हूँ तभी मिलता है फिर सब कुछ। और मौसम आपने देख ही लिया, बाकी आगे फ्रंट साइड में भी आपको दिखाती हूँ। तो बस पहले तो मैं ये सारी जगह से झाड़ू ही मार लेती हूँ, फिर बाद में जहाँ पर भी मुझे मॉपिंग की ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पे मैं करती हूँ। हाँ डेली पूरे इतना, क्योंकि देख सकते हो आपकी घर बहुत बड़ा है तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। और ये फाइटर विमान जा रहे हैं लद्दाख के लिए, वो देखिए ऊपर चाइना को ठोक देना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए साफ़ सफाई का काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी जा रही हूँ नीचे क्यारी में, तो लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने सोचा कि थोड़े से पत्ते लेकर के पत्रोड़े भी बना दिए जाएं, हम यहाँ पे पत्रोड़े बोलते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो जो हमारी स्ट्रॉबेरी थी ना एक से अभी दो हो गए हैं, और तीसरा भी ये लगने की कगार पर आ गया है, तो मतलब धीरे धीरे से फैल रही है। और बस फिर मैंने यहाँ से पत्ते निकाले और भाभी के पत्ते और चटनी के लिए पुदीने के पत्ते ये सब चीज़ें लेके आ गई, और बस अब मैं नहा धो करके पहुंच गई किचन में। और बाहर का मौसम मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये देखिए बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है,
और अच्छा है, मतलब बाहर बारिश हो जाती है ना तो अंदर किचन में काम करने के लिए भी अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा सा हो जाता है सारा। तो ये देखिए, ये भाभी के पत्ते और ये पुदीने के और साथ में मिर्ची, ये सब चीज़ें लेके आ गई थी मैं। और पतरोड़े बनाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना पतरोड़े में भी, तो ये मैंने बेसन ले लिया है। और आज मैंने मतलब दूसरे तरीके से आपको पतरोड़े बनाना सिखा रही हूँ, जो हम ट्रेडिशनल बनाते हैं ना लिपाई जैसी करके, तो उस तरह से नहीं, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर बहुत जल्दी है आपको तो आप इस तरीके से बनाइए और अच्छे बनते हैं, सेम टू सेम वैसे ही बनते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी भाभी और हरी मिर्च चॉप कर ली और अदरक को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया, और बाकी बहुत ज़्यादा मसाले मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए, जो मैंने बेसन लिया था उसमें ये पहले ही ऐड कर लिया। बाकी ये देखिए, ये पत्ते जो लेके आई थी तो ये इनको मैं साफ़ कर लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। और ये मैंने हाथों में तेल और नमक लगा लिया है। इस लगाने से क्या होगा कि ऐसे ना इन पत्तों में थोड़ा गाजलापन होता है, मतलब कि खारिश खारिश लगती है, तो अगर आप तेल और ये नमक लगाते हो तो वो चीज़ नहीं रहती। और जब हम इसे काटेंगे ना तो फिर बहुत होती है, तो जब भी आप इस तरह से इसको काटें तो हमेशा ये वाली ट्रिक अपनाएं। तो ये देखिए, अभी मैंने इसको काट लिया है, बहुत ज़्यादा महीन तो नहीं चॉप किया, हाँ मोटा मोटा जैसा मतलब पॉसिबल हुआ मुझसे उस तरह से ही किया। तो ये देखिए, ये मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें फिर ट्रांसफ़र कर दिए जो भी ये पत्ते लिए थे, काट लिए थे। और इसके बाद फिर अब हम डालेंगे सारे मसाले। तो पहले तो ये जो बेसन और जो मैंने ये पेस्ट तैयार किया था, पेस्ट तो नहीं पर हाँ चॉप किया था, वो चीज़ मैंने इसमें ऐड कर लिए है। और इसके बाद फिर डालूँगी सारे मसाले। तो मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये मिक्स मसाला और एक इम्पॉर्टेंट मसाला अमचूर पाउडर, ये मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालोगे तो गर्म तासीर के होते हैं। तो मैंने आंवला पाउडर डाला है, मैं मोस्टली वही खाती हूँ। और इसके अलावा भी थोड़ी सी ये जीरा और अजवाइन, क्योंकि ये हैवी होते हैं तो पचाने में मतलब अच्छे अजवाइन ठीक रहती है। तो ये देखिए, ये मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन खटास ज़रूर ऐड करनी पड़ती है इसमें। और अब ये फिर नमक भी मैंने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस सारी जो चीज़ें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो सेम बस वही, बस यहाँ पर आपका टाइम बच गया कि आप एक एक सिंगल सिंगल पत्ते पर ये पेस्ट लगाना पड़ता है, तो वो चीज़ हमने नहीं की, बस सारा का सारा इकट्ठा ही कर लिया। वैसे तो ये रेसिपी शायद मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज बना रही थी तो चलिए, क्योंकि पूरी स्पेशल थाली थी, स्पेशल लंच थाली बन रही है तो एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए ना। तो बस ये देखिए, मेरा पेस्ट जो है ये सारा तैयार हो गया है। और एक बड़े बड़े पत्ते, मतलब जितने भी आप ये पतोड़े बनाने वाले हो उतने फिर आप पत्ते ले सकते हो। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा फिर ये हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से ये डाल दिया, जो भी हमने ये मसाला रेडी किया। और फिर इस तरह से चार फोल्ड में इसको फोल्ड करके, अब देखिए आपको बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बस तीन ही पत्ते लिए हैं, क्योंकि जो ये मेरा मिक्सचर है तीन ही पत्तों के लिए काफ़ी है, तो तीन पतोड़े मेरे ईज़िली बन जाएंगे। तो ये देखिए, दोबारा से पहले यहाँ से फोल्ड किया, वहाँ से, और मतलब चार फोल्ड मैंने इसके किए। तो बस इसी तरह से फिर मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। और इसके बाद आज, क्योंकि मेरे पास स्टीमर आ चुका है तो मैं इसको स्टीम से ही पकाऊंगी। मतलब अब ना मेरे लिए इजी हो गया, कोई जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुकर में। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया थोड़ा सा, लगभग एक गिलास के करीब, और फिर ये जो स्टीमर वाला पार्ट था वो इसमें लगा लिया, और थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि जो पतोड़े हैं वो इसके साथ चिपके ना। तो बस थोड़ा सा ग्रीस करके अब मैंने ये डायरेक्ट रख लिए, और फिर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख दूँगी। 10-15 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। और एक बात कि आप ना उसके लिए मोमो के लिए बोल रहे थे, तो वो मैंने जान के बनाए थे, आटे के, मतलब गेहूं के आटे के, बच्चों के लिए हेल्दी होते हैं और मेरे बच्चों को बहुत अच्छे भी लगे, डेली वो जिद कर रहे हैं। और भाई माँ हूँ बच्चों की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनको कुछ कच्चा खिला दूँगी, या ठीक है मतलब नॉर्मल जो मार्केट में मोमो मिलते हैं उसके कंपेरिजन में मैंने बड़ा लिया था, पर मैंने जान के लिया था ताकि बच्चे उसको ईजिली खा सकें। अच्छे चले, वो बात हो गई। अभी मैं ये पूरी के लिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है, यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड नहीं किया था। हाँ हल्का सा आप इसमें क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपकी पूरियाँ खूब फुली फुली से बने। तो बस मैं थोड़ा हेल्दी बनाती हूँ, कि बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबका ध्यान रखते हुए मुझे खाना बनाना होता है।
तो बस अभी ये चटनी की तैयारी चली हुई है। तो ये देखिए, आपने देख ही लिया कि प्याज, हरी मिर्च और पुदीना, ये सब चीज़ें चॉप कर ली मैंने और मिक्सर जार में फिर ये चढ़ा दिए हैं। और इसके अलावा मैंने खटाई के लिए आज वो इमली पहले ही भिगो करके रख दी थी, तो ये यहाँ पे मिर्चियाँ मैं ऐसे ही तोड़ के डाल रही हूँ, दो दो तोड़ के, मतलब डंडी इसके अलग से, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए खूब सारी मैंने ली हैं। इसके अलावा मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर ली और थोड़ा सा फिर ये जीरा मैंने ऐड कर लिया है, थोड़ा सा इसमें हम शक्कर का भी ऐड करेंगे क्योंकि आज फिर से अगेन हेल्दी खाना बना रही हूँ। हाँ, हेल्थ, थोड़ा सा ऑयल, मतलब फ्राई करके पूरियाँ बनेंगी तो वहाँ पे तो अब चलिए कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है ना। तो जी, अब ये नमक भी ऐड कर लिया और शक्कर ऐड की है मैंने, और ये पल्प मैंने तैयार किया था इमली का, तो वो भी इसमें ऐड कर लिया। मैं पका के नहीं बना रही हूँ, बस इसी तरह से। तो ये देखिए, अभी जो मिक्सर जार में हमने पीस ली थी, एक स्मूथ जैसे मतलब चटनी हो जाता है ना, थोड़े बहुत कोई प्याज या कुछ भी रह जाता है, तो ये मैं छान रही हूँ, फिर एकदम स्मूथ वाली चटनी आपके पास बन के रेडी होगी। तो बस जी, ये देखिए, छलनी में अच्छी तरह से मैंने इसे छान लिया और ये रही हमारी चटनी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे ये इमली वाली चटनी। इसके अलावा फिर देखिए, रसीली सब्जी, क्योंकि पतोड़े तो सूखे बनेंगे तो रसीली के लिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और ये देखिए, आप देख सकते हो कि ये ना पहाड़ी आलू हैं, मिट्टी आपको दिख रही होगी इनके साथ। तो पहले मैं छील रही हूँ, फिर इसके बाद पहले धो लूँगी, उसके बाद इसको पीसेस में काटूँगी, पहले नहीं काटूँगी। तो बस अब तड़का आलू की सब्ज़ी के लिए बना रही हूँ। तो कढ़ाई मैंने ये रख दी, इसमें ये धनिया और जीरा ऐड कर लिया है, हींग, मिक्सी, साथ में प्याज। बाकी रही धनिया की बात ना, तो हमें इस तरह से डालना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इसे ऐड करती हूँ। अपनी अपनी खाने का ना, पकाने का अपना अपना अंदाज़ होता है, जैसे घर के लोगों को अच्छा लगता है वैसे ही हम लोग फिर बनाते हैं। तो आलू मैं पहले ही पका रही हूँ इसमें ऑयल में, ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाएँ, और बोलते हैं कि ऑयल में पकाने से ना आलू का बेलापन भी ख़त्म हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे टेस्टी भी बनते हैं ये। इसके अलावा आलू जैसे ही फिर पक गए ना, ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने पहले ये मतलब ऑयल में ही पका लिए, तो इस तरह से मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। तो ये देखिए, हल्दी डाल दी, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और साथ में ये मिक्स मसाले। हमारी लाल मिर्च ना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इस ये देगी मिर्च है तो इससे थोड़ा बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है और इतनी तीखी भी नहीं होती। वैसे मिर्च खाना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हरी मिर्च में तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है और लाल मिर्च भी खानी चाहिए। और जी हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए लेकिन खानी चाहिए। इसके अलावा टमाटर मैंने ग्राइंड करके ही डाले, ताकि क्योंकि रसेली बना रही हूँ इसलिए। और ये जो भावरी के पत्ते हैं ये एंड में डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे, तो इसीलिए, क्योंकि धनिया मेरे पास था नहीं तो इसी से मतलब मैंने ये खुशबू वाला काम चला लिया। तो ये देखिए, अभी आलू की सब्ज़ी देखिए आया ना, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया और बस ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप दबा करके अगर और रसीली थोड़ा पानी ऐड करना चाहें तो उस तरह से हो जाता है। इसके अलावा फिर अभी मेरी पूरी का आटा मैं गूंद के रख लिया था और ये रेस्ट पे चला हुआ था। तो जी अभी ये देखिए, अब मैं इसे आज मैं ऑयल की ही हेल्प से, ऐसे मैं ना आटे की हेल्प से ज़्यादातर पूरी बनाती थी लेकिन आज मैंने ऑयल की हेल्प से ही बना ली। और चलिए अभी पूरी को डाल देते हैं गर्मा गर्म ऑयल में और फिर फ्राई कर लेते हैं पूरियाँ। तो बस जी, मतलब इसी तरह से सारी की सारी पूरियाँ मैं बेलती रहूँगी और बनाती रहूँगी। जब भी इस तरह का खाना वाना बनाना होता है तो हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है लेकिन सबको खूब पसंद आता है कि हाँ, कभी कभार चलता है, जैसे हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार खाना चाहिए। और जिनको वेट लॉस करना है अपना, उनको तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ। जब इस तरह से खाना मेरे को दिख जाता है ना तो खूब डट के खा लेती हूँ, फिर वेट मेरा बढ़ जाता है और फिर उसको घटाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो चलिए, चटोरी जीभ है अभी, ये मानती तो है नहीं। और अभी ये देखिए जी, हमारे पतरोड़े भी बन के रेडी हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ऐसे रख दिया था हवा में ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ, और ठंडे हो के ना फिर काटने में इजी रहता है, मतलब बिल्कुल अच्छे से शेप में कटते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं है मतलब। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये भी कुक हो चुके थे तो मैंने इस तरह से लंबे लंबे शेप में इसलिए काटे ताकि मैं इनको डायरेक्ट तवे पे फ्राई कर सकूं। तो तवे पे फ्राई करके ना और भी अच्छा टेस्ट होता है अगर देसी घी में इसे हम फ्राई करते हैं तो।
तो ऑयल लीजिए जी, कि मैंने भी डाल दिया देसी घी, और अब इस तरीके से अब देसी घी मेरा ज़्यादा भी नहीं लगेगा ना, और तवे पे फिर मतलब बहुत डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, सिंगल इस तरह से मैंने थोड़े से ऑयल में ही से अच्छी तरह से ये फिर फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप चाहें तो इसको प्याज धनिए का तड़का इसमें लग जाता है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा फिर रायता, खीर, ये सब चीज़ें भी मैंने बनाई थी। और चलिए मतलब अभी सर्व करके एक थाली लगा ली जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो जी ये रही हमारी आलू की रसीली सब्जी, जिसे मैंने कटोरी में डाल दिया और एक बड़ी सी थाली ले ली है। आज मैं वो दूसरी वाली थाली नहीं ली है तो सोचा कि इसी में आज काम चलेगा। ये चटनी है और इसके अलावा फिर ये रायता, खीरे का रायता बनाया था मैंने, और साथ में ये खीर चावल की ही बनाई थी रेसिपी, अभी मैंने हाल ही में आपके साथ शेयर की थी इसलिए दोबारा नहीं शेयर की। और ये बीच में मैंने पतोड़े भी रख दिए और साथ में पूरी सलाद, तो डैड जी को देंगे ये थाली। उससे पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ कि अब भाई हरियाली तीज है तो हरी हरी साड़ी पहनना भी बनता ही है, तो ये मेरे पास हरे कलर की साड़ी है और अभी करवा चौथ पे मैंने ली थी और ये दिखा रही थी मैं आपको कि ये ना हम लोग साड़ी पहनना नहीं आता तो इस तरीके से स्टिच करवा देते हैं और बहुत ही इजी हो जाता है फिर इस तरह से एकदम से ली और फटाफट से पहन ली। तो बस अभी थोड़ा सा अब जब साड़ी पहन रहे हैं तो भी थोड़ा सा टिक्कू बिंदु करना भी ज़रूरी हो जाता है। आप हंसोगे कि क्या बोलती है टिक्कू बिंदु, तो जी मेकअप उतने हाई लेवल का मैं करती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मेकअप नाम का वर्ड अगर यूज़ कर लूँ तो फिर हो जाता है ना, इसलिए यह हम सिंपल मतलब टिपिकली गांव में टिक्कू बिंदु बोलते थे तो मैं भी वही बोल देती हूँ। तो जी बस मेरा ज़्यादातर होता है मेकअप में कि काजल लिपस्टिक। तो ये जी हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट और आज मैंने मतलब ना ये हरी वाली साड़ी पहन ली है। तो मैं पहले ही बता दूं ना आपको कि हमारे यहाँ पे तीज ये त्योहार नहीं मनाया जाता, नहीं तो मतलब इतना पता है मुझे कि क्या क्या इस त्योहार में किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। तो मैंने फास्ट भी नहीं रखा है, खाली बस ये साड़ी पहननी ग्रीन कलर की। और डैडी जी ने उस दिन बोला था ना कि त्योहार आते रहने चाहिए, अच्छा सा खाना मिलता रहना चाहिए, तो बस उसी के लिए अच्छी सी थाली हमने तैयार कर ली। चलिए मतलब तीज का दिन है तो चलिए जिनका भी जिनकी जगह भी मनाया जाता है पहले तो उन सबको ढेरों शुभकामनाएं, जिनके यहाँ पे नहीं भी मनाया जाता है ना उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। सारे त्योहार मनाने चाहिए, वैसे भी हम इंडियंस इंडिया के हैं तो हमें इंडियन त्योहार मनाने चाहिए, चाहे यूपी बिहार के हो चाहे से राजस्थान के हो कहीं के भी हो, बस मनाने चाहिए और खाने पीने के लिए रेडी की तरह मतलब मिलना चाहिए अच्छा अच्छा खाने के लिए। तो बस जी के बाद फिर अब मैं जा रही हूँ थाली लगाने, मतलब लंच तो तैयार हो गया था अभी मैंने सबको दिया नहीं था। तो ये देखिए जी थाली भी मेरी रेडी हो गई है और चलिए सबसे पहले डैडी जी को ही खिलाते हैं। और ये बनाया हुआ है खाना, तीज का त्योहार बना रहे हैं आज। डैडी कैसे बना है खाना? बहुत अच्छा बना है, ये देख सकते हो आप डैडी जी खा रहे हैं खाना और सामने लगा हुआ है टीवी, ये बस खाओ तो खाओ। हाँ अब आराम से बैठ जाती हूँ, बहुत ज्यादा थक गई, टांगों में ना इतनी जोर की दर्द हो रही है ना इस वक्त कि भाई क्या ही बताऊँ आपको। किचन में ना मतलब काफी टाइम लग जाता है जब हम इस तरह से पूरी वगैरह या कुछ भी चीज बनाते हैं खड़े खड़े, वहां पे बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर वहां से हटके झट से आई ये साड़ी पहन के फटाफट से, तो फिर अभी मतलब बच्चों को खाना वाना दे करके, मैंने और पतिदेव ने अभी नहीं खाया है, वो अपना थोड़ा सा काम कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ। बोला था मैंने उनको भी लेकिन वो बोले कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ फिर बाद में करूंगा अगला बात, तो वो नहीं आए। और बस एक बार फिर से आपको तीज की ढेरों शुभकामनाएं और बस आज के वीडियो की फिर यहीं पे एंड कर रहे हैं। और हाँ अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ना मुझे दूसरे चैनल से भी लग रहा है कि बहुत जल्दी थोड़ी सी खुशखबरी मिलने वाली है तो वो भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।